Welcome you all once again to our channel Eklav Academy Classes, the Platform Realizing Dreams. आज के इस वीडियो में हम मशीन इनपुट की सेकंड क्लास, एक बेसिक लेवल का जो हम चैप्टर है उसके क्लास पहले ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। जिसने अभी तक वो बेसिक की वीडियो नहीं देखी है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मेंशन कर देती हूँ, वहां से पहले बेसिक क्लास को सीख लें, उसके बाद हम सेकंड नेक्स्ट क्लास को आप कंटिन्यू करें। ठीक है, तो जो लोग देख चुके हैं फर्स्ट क्लास उन लोगों के लिए कंटिन्यू है ये, आगे हम देखते हैं। देखिए, मैंने फर्स्ट क्लास में ना ओनली बेसिक लेवल समझाया था जो मशीन इनपुट है वो होता क्या है और कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें सेकंड स्टेप में थोड़े से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस हैं, उसमें केवल हमने या तो अंकों को लिया था यानी डिजिट्स लिए थे क्वेश्चन में, या फिर हमने क्या लिया था इसको अल्फाबेट को। ठीक है, इसमें हम अल्फाबेट और डिजिट दोनों आएंगे और एक ही स्टेप में दोनों को सेट करते चलेंगे पैरेलली। ठीक है, कैसे क्या वो हम समझते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे हमें एक इनपुट दे रखा है, अनलेस 46 दैट 54 फॉर्मेट 26 डीन 68 बोथ 32। ठीक है, इसके कुछ स्टेप्स हैं, पांच स्टेप्स में ये कंप्लीट हो रहा है। तो फर्स्ट में हम देख चुके हैं बेसिक, में बहुत ज्यादा बेसिक से नहीं समझाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए, पांच में सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमने लास्ट टाइम ही सीखा था कि सबसे पहले जो हमें कंप्लीट करना है, तो सबसे पहले देखिए हमें क्या देखना होता है, फाइनल वाली स्टेप देखिए कि इसमें हमें सेट क्या करना है आगे जो क्वेश्चंस हैं। तो इसमें आप देख रहे हो अनलेस दैट फॉर्मेट डीन बोथ, आप देख रहे होगे पहला पहला जो लेटर है वो घटते हुए क्रम में है। ठीक है ना, और इसमें देखिए 6 5 4 3 2, ये भी घटते क्रम में है, यानी कि हमें बेसिक इनपुट वहां तक सेट करना है जब ये दोनों ही घटते हुए क्रम में यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में, जब तक दोनों अल्फाबेट और डिजिट सेट ना हो जाएं, पहले अल्फाबेट सारे और फिर बाद में डिजिट। ठीक है, अब हम सबसे पहले चरण देखते हैं कि जो फर्स्ट स्टेप है उसको किया कैसे है, मतलब उसमें एक बार में एक लिया है, एक बार में दोनों लिए हैं, कहाँ पे सेट किया गया उसको देखते हैं। देखिए, इनपुट जो बेसिकली इनपुट था उसमें सबसे पहले अनलेस था, 46 ये सब था। अब आप पहले स्टेप में देखिए, सबसे पहले बोथ लिया BOTH, ठीक है, उसके बाद अनलेस अपनी जगह, 46 अपनी जगह, दैट अपनी जगह, 54 फॉर्मेट, 26 डीन, 60 और फिर देखिए 68 को इधर कर दिया है। ठीक, बाकी 32 अपनी जगह, बोथ तो आगे चला ही गया था। यानी अगर हम यहां से देखेंगे तो फर्स्ट स्टेप में क्या सेट किया, इधर से सेट किया बोथ को, और अगर इधर साइड बात करेंगे यानी दो कॉर्नर है, मान लीजिए ये लेफ्ट राइट कॉर्नर है, ये लेफ्ट कॉर्नर है, तो लेफ्ट कॉर्नर पे किसको सेट कर रहे हैं, अल्फाबेट को। ठीक है, और इस बार राइट कॉर्नर पे किसको सेट कर रहे हैं हम, डिजिट को। तो सबसे पहले डिजिट कौन सी ली है, बड़ी वाली, और सबसे लास्ट में सेट कर रहे हैं लाके यहाँ पे, और इसको सेट कर रहे हैं निकाल के यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में ये ले लिया, ये ले लिया। ठीक है भाई, सेकेंड स्टेप में इन्होंने क्या किया, अब बोथ के बाद क्या ले लिया, डी। तो इसी तरीके से ये इस साइड, अगर जैसे एक 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 इस साइड आता रहेगा तो सबसे लास्ट में सबसे बड़ा वाला पहुंच जाएगा जो यहाँ पे हो चुका है। ठीक है ना, फिर देखिए डी के बाद एफ लिया, एफ के बाद क्या लिया, नेक्स्ट में टी लिया, और टी के बाद सबसे लास्ट वाले स्टेप में यू लिया। पांच ही तो लेटर्स थे, 1 2 3 4 5, यानी पांच ही तो अल्फाबेट थे जो वर्ड्स थे अल्फाबेट से बने हुए, यू टी एफ डी बी, ये पांच शब्दों के पहले पहले अल्फाबेट है। ठीक है, तो इनको सबसे पहले पहले हर स्टेप में सेट कर दिया, और फिर इधर देखिए 68 के बाद इधर निकाल के 54 ले आए, फिर 54 के बाद 46, 46 के बाद 32, 32 के बाद 26, ये भी पांचों सेट हो गया। ठीक है, देखिए ये वाले जो कॉन्सेप्ट होता है ना, ये आप समझ लीजिए बहुत इजी कॉन्सेप्ट होता है, आपको लगेगा ये लेंथी है जबकि ये वाला बहुत ईजी होता है। जब भी किसी स्टेप में हम यहां से उठा के कुछ आगे, फिर उससे आगे, फिर उससे आगे जब भी रखते हैं, तो इसमें बहुत एक इंटरेस्टिंग सी बात होती है जो फर्स्ट वीडियो में हमने बात की थी, अपने आप से स्टेप लग जाना। ऐसे में कभी भी अपने आप कोई स्टेप सेट नहीं होती है, क्योंकि आप सारे लेटर्स या जो अल्फाबेट है उनको उठा के क्या कर रहे हो, एक अलग साइड कर रहे हो ना, और इधर ले जा रहे हो। इस केस में कभी भी कोई अपने आप स्टेप सेट नहीं होगी। ठीक है, तो अभी हमें समझ में आ गया हमें स्टेप बाय स्टेप करना क्या है, यानी कि अल्फाबेट जो है उनको सबसे बड़े वाले को सेट करना है, और इसमें सबसे छोटे वाले को सबसे पहले वाले को सेट करना है, और फाइनल आके हमें इस तरीके से कुछ फाइनल जो स्टेप है वो ऐसे ही वाली दिख जाएगी। अब हम आके क्वेश्चन देखते हैं कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। मोटर 48, वॉल 36, स्टैक 64, है 52, गेट 18। हमें एक इनपुट दे रखा है, इससे पहला जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में कौन सा पांचवें चरण में 64 का स्थान दिखाता है। तो जरा आप समझिए, सबसे पहली वाली स्टेप में
यहाँ देखिए, मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया है, केवल हम नंबरिंग से करेंगे इसको। सबसे पहली वाली स्टेप में हमने क्या लिया था, बी। सबसे इसमें सबसे छोटा क्या है, जी आएगा ना सबसे पहले। तो पहली स्टेप में क्या सेट होगा, एक तरफ आ जाएगा पहली स्टेप में जी टी। ठीक है, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, जब आप प्रैक्टिस में आ जाओगे उसके बाद आपको लिखने की जरूरत नहीं होती बिल्कुल भी। और इधर हमने क्या लिया था, सबसे बड़ा वाला। तो इसमें सबसे बड़ा जो है वो 64 है, तो सबसे इधर गेट आ जाएगा, इधर 64 आ जाएगा लास्ट में निकल के, बाकी एज इट इज। मोटर 48, वॉल 36, स्टैक, जिस पे भी नंबर नहीं पड़ेंगे वो एज इट इज अपने क्रम में रहेगा। इज इट क्लियर? तो ये फर्स्ट स्टेप होगी। ठीक है, अच्छा सेकंड स्टेप कौन सी होगी, चलिए देखते हैं। अब गेट तो हमारे पास आ ही गया है फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में क्या आएगा, जी के बाद हैवी तो आएगा, एच ए वी, तो यहाँ क्या लग जाएगा सेकंड स्टेप में, हैव। और इधर हमने 64 लिख ही दिया था, 64 के बाद सब छोटा क्या आई है, 52, तो इधर क्या लगेगा, 52। तो सेकंड स्टेप क्या बनेगी, जिन पे नंबर हो गए वो अपने अपनी जगह सेट हो गए, जिन पे नंबर्स नहीं है वो एज इट इज फिर से अपने क्रम में लिख दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए थर्ड स्टेप में क्या होगा, मैं नंबरिंग और लिखना दोनों ही आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया देती जा रही हूँ, क्योंकि देखिए ये बेसिकली क्लासेस है, तो इसमें हमें पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। बाकी इसके बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मैं आपको लगवा दूंगी, फिर उसके बाद आपको कोई भी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं रहेगी, आपके माइंड में ऑटोमेटिकली फिट हो जाएंगे ये सारे मेथड्स। ठीक है, फिर थर्ड देखिए, अभी हमें जी के बाद एच, फिर एच के बाद इसमें से क्या आएगा, एम। तो फिर हमें थर्ड स्टेप में क्या करना है, सबसे पहले भाई मोटर ले लेना है, मोटर के बाद हैव अपने आप ऑलरेडी सेट है, गेट अपने आप सेट है ही, तो थर्ड स्टेप। और इधर वाले पीछे क्या लेना है, इन सब में 48, तो थर्ड स्टेप में सेट हो गया इधर 64, 52, 48, बाकी जिन पे नंबर नहीं है वो फिर से अपनी जगह। ठीक है, फिर फोर्थ स्टेप में हमें मोटर के बाद क्या लेना है, स्टैक। तो फोर्थ स्टेप में बस देखो एम वाला आ गया, एच वाला, सॉरी ये नहीं, इसको काटिए, फोर्थ स्टेप में क्या आ गया, सबसे पहले स्टैक आ गया, फिर मोटर, हैव, गेट वाले ऑलरेडी आए हुए हैं 64, 52, 48 और 48 के बाद 36। और लास्ट और फाइनल स्टेप हम सब जानते हैं फिफ्थ क्या बन जाएगी, क्या क्या बच रहा है, बस हमारे पास 36 आ गया है ना फोर्थ स्टेप में ही, और फिफ्थ स्टेप में हमारे पास इधर से आ जाएगा वॉल और इधर से आ जाएगा 18। अब आप देख रहे हैं सारे लाइनिंग अपने आप लाइन अप हो चुके हैं, अब हम इस बेसिस पे सारे सवाल करते जाएंगे। ठीक है, तो पांचवें चरण में 64 का स्थान, हमें पता है पांचवा जो चरण होगा उसमें 64 का स्थान क्या होगा, देखिए पांचवें चरण में 18 और पहुंच गया होगा ना, 64, 52, 48, 36 और 15, यही क्रम तो लग गया होगा, 1, 2, 3, 4, 5। एक तो दाएं से होगा पांचवा, जो हमारे पास ऑप्शन में नहीं है। अच्छा बाएं से क्या होगा, बाएं में क्या पहुंचेगा, वॉल, एस, एम, एच, जी, फाइनल स्टेप यही तो होगी ना, तो फाइनल स्टेप में 1, 2, 3, 4, 5 अगर इधर से गिनेंगे तो बाएं से छठा और हमारे पास ये ऑप्शन है। ठीक है, अब मैं आपको इस नंबरिंग से गिनाती हूँ कि कैसे हम यहां से गिन सकते थे। मुझे पता है बाएं ओर से छठा कौन सा होगा, आगे पांचों अल्फाबेट आ गए होंगे और सबसे पहले क्या सेट हुआ था, 64, तो सबसे पहले 64 ही तो होगा जब हम इधर से आ रहे होंगे पांचों अल्फाबेट के बाद, तो सीधा सीधा आंसर हो जाता है 64। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वही सेम इनपुट है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा चरण फोर्थ में 18 के दाएं दूसरे के बाएं से चौथा कौन सा होगा, जरा इसमें हम जल्दी से स्टेप्स डाल लेते हैं कौन कौन से था। ये सबसे पहली स्टेप होगी, देखिए ऑटोमेटिक तो कुछ सेट हुआ नहीं था, 1, 2, 3 और ये 4। ठीक है, इसमें क्या है, पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा, बस चार में यही तो सेट हुए होंगे और बाकी ये वॉल और 18 अपनी जगह होंगे। तो चौथे चरण में 18 के दाएं से दूसरे, पहला तो देखिए ये समझिए 18 कहीं भी लिखा होगा उसका दाया क्या होगा, ये होगा दाया दूसरा, यहाँ कोई सा भी लेटर या कोई सा भी नंबर होगा तो उसके दूसरे के बाएं से चौथा, तो 1, 2, 3, 4 जब हम इधर जाएंगे और फिर उसके बाएं चौथे आएंगे तो बेसिकली हमें 18 के क्या बताना है, लेफ्ट को दूसरा बताना है, कौन से स्टेप में, फोर्थ स्टेप में। तो 18 के बाएं को दूसरा फोर्थ स्टेप में कौन सा होगा, देखिए फोर्थ स्टेप में कितना ईजी है, फोर्थ स्टेप जो बन चुकी है वो क्या बन चुकी है, अगर हम अल्फाबेट के हिसाब से देखें तो फोर्थ स्टेप में स्टैक बन चुका है। ठीक है, स्टैक के पहले जस्ट क्या आया होगा, मोटर आया होगा, मोटर के पहले हैव आया होगा, हैव के पहले गेट आया होगा, बाकी एज इट इज सब अपनी, देखिए बाकी ये सब जो नंबर्स हैं वो पीछे सेट हो चुके होंगे, वॉल अपनी जगह होगा और ये सब सब सेट हो चुके हैं, 18 यहाँ होगा, तो 18 का पहला दूसरा कौन सा है, जी यानी कि गेट आ जाएगा आंसर। ठीक है,
आई होप आपको समझ आ गया होगा कि फोर्थ स्टेप में ये चारों तो सेट हो चुके होंगे, वॉल एज इट इज अपनी जगह होगा तो वॉल को हमने वहीं लिख दिया, ये सब सेट हो चुके होंगे क्योंकि जिन पे नंबरिंग है इसका मतलब वो अपने अपने स्थान पे पहुंच चुके हैं, तो उसके बाद 18 ही तो लिखेंगे फोर्थ स्टेप में। तो पहला दूसरा, हमें 18 के बाएं को दूसरा ही तो बताना था, इसका आंसर हो गया गेट। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड में, थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें पुनः व्यवस्थापन अंतिम चरण में वॉल 18 से संबंधित है, स्टैक 36 से एक निश्चित रूप से संबंधित है, उसी प्रारूप से मोटर किससे संबंधित है। तो देखिए मोटर किससे संबंधित होगा, वॉल 18 से है। अच्छा एक बात बताइए, अंतिम चरण में वॉल सबसे लास्ट में आया होगा ना, और 18 भी सबसे लास्ट में होगा, मतलब वॉल इधर से सबसे लास्ट में बाएं छोर से, ये इधर से, फिर सेकंड नंबर पे स्टैक होगा एस होगा, और इधर 18 के इधर कौन सा होगा, जस्ट 18 से जो छोटा है वो क्या है 36, तो एस से 36। तो किससे पूछा गया, मोटर से, तो W और S के बाद M ही तो होगा ना यहाँ पे, तो 8 इसके बाद क्या होगा 36 के बाद 48, तो आंसर इज 48, ठीक है। बस चलिए नेक्स्ट, फिर से अंतिम से पहले आउटपुट, देखिए अंतिम पांच चरण है ना इसमें, यानी चौथे का पूछ रहा है ये, फोर्थ स्टेप में, तो अंतिम से पहले आउटपुट में हैव और 18 के मध्य कितने तत्व या शब्द संख्याएं होंगी। अंतिम से पहले में हैव और 18 के बीच में, देखिए इसको भी बहुत अच्छे से समझते हैं, अंतिम से यानी फोर्थ में, तो हमें पता है फोर्थ में क्या क्या सेट हो चुका होगा, फोर्थ में ज्यादा नहीं हमारा सेट हो चुका होगा स्टेक मोटर, है ना, स्टेक मोटर हैव और गेट, ये तो सेट हो ही चुका होगा। उसके बाद 18 के मध्य में, देखिए ये सेट हो चुका है, ये सेट हो चुका है, एम सेट हो चुका है, एस हो चुका है, ये हो चुका है और ये हो चुका है फोर्थ स्टेप में, और इधर से ये हो गया होगा, ये हो गया होगा, ये हो गया होगा और ये हो गया होगा, ठीक है ना। तो वॉल अपनी जगह होगा और 18 अपनी जगह होगा, तो हैव और 18 के बीच में कितने आ गए, हैव और 18 के बीच में यहाँ पे आ गए दो, ठीक है ना। तो यहाँ पे जस्ट हमें क्या करना था कि मुझे पता है S आ चुका होगा, M आ चुका होगा, H और G चौथी स्टेप में, इतने ही तो सेट हुआ होगा, वॉल अपनी जगह आ गया होगा। ठीक है, जस्ट वेट, ये वाले क्वेश्चन पे थे हम। चलिए तो यहाँ पे क्या था, हैव और 18 के मध्य में पूछा था, तो 18 और हैव के मध्य में देखिए H तक, H ये रहा फोर्थ स्टेप में, तो H से पहले ये होगा, और अगर हम 18 की बात कर रहे हैं फोर्थ स्टेप में 18 अपनी जगह होगा, तो इनके बीच में कितने आ गए दो। आई थिंक ऑप्शन में कहीं कुछ गड़बड़ है, मैं एक बार सवाल चेक कर लेती हूँ। अंतिम से पहले आउटपुट में हैव और 18 के मध्य कितने तत्व शब्द और संख्याएं हैं, ठीक है, थीके? मैं एक बार दोबारा से, देखिए फोर्थ स्टेप में S होगा, M होगा, H होगा और G होगा, वॉल अपनी जगह होगा, और वॉल के बाद जो है वो 18 अपनी जगह होगा, ठीक है, दो ही आ रहे हैं, या आई थिंक ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है, इसका जो आंसर आएगा वो दो आएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित आउटपुट कौन सा चरण होगा, यानी ये जो आउटपुट है वो कौन सा चरण होगा, देख लेते हैं भाई, मोटर हैव गेट वॉल, तो देखिए M तक सेट हो गया है ना, पहला हुआ होगा G, फिर H, फिर M, तो ऑब्वियस है ये कौन सा सेट होगा, वॉल अपनी जगह है, और इधर से हम देखेंगे तो तीन इधर से सेट हो गए हैं, तो कौन सा चरण होगा ये थर्ड, ठीक है। चलिए तो ये पांच क्वेश्चन हमें अच्छे से समझ में आ चुके हैं कि किस तरीके से, देखिए इसमें मैं आपको ज्यादा शॉर्ट नहीं बताती हूँ चीजें, बिल्कुल लॉन्ग में लिख लिख के और समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। अदरवाइज आप जब प्रैक्टिस करें तो नंबरिंग डाल के ही प्रैक्टिस करिए, तो आपको बहुत जल्दी कम टाइम में उसको सॉल्व करने के जो तरीके हैं अपने आप समझ में आएंगे, बट मैं लिख के आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करती हूँ, ठीक है। अदरवाइज मैं डायरेक्ट आपको केवल नंबर से कराऊंगी, तो हो सकता है बेसिक सीखते टाइम आपको कुछ थोड़ा सा इश्यू आए। आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक नया इनपुट है, स्ट्रॉन्गर 48 बैंक 39 गेनिंग 74 मार्केट 56 शेयर और 27। अब इसमें आप देख लीजिए स्टेप्स 1 2 3 4 5, ये भी पांच में पूरा हो रहा है। सबसे पहला हमारा क्या काम है कि हम इसमें फिफ्थ वाला जो है इसको देखेंगे, एस जी एस बी एम, क्या आपको लग रहा है ये कोई क्रम हुआ ना, तो देखिए पहले लेटर से कोई क्रम लग रहा है,
जैसे लास्ट में मैंने आपको बताया था, आरोही अवरोही क्रम हो सकता है, किसी वर्ग संख्याएं हो सकती हैं, अक्षरों का बढ़ता क्रम हो सकता है, यानी हमें लास्ट स्टेप में पहचानना है कि हो क्या रहा है और फिर कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, ये हम स्टेप्स में देख के समझते हैं। यहाँ पे हमें ये तो कुछ समझ में नहीं आया, पहले लेटर से तो कोई मतलब नहीं लग रहा। फिर अगर हम इस बढ़ती संख्या देखेंगे तो ये 5 का है, ये 1 2 3 4 5 7 का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 का है, और फिर ये 5 का है, यानी शब्दों में जो लेटर्स हैं उनकी संख्या के आधार पे भी नहीं है। देखिए एक इसमें नया क्रम आप देखिए, आखिरी वाले अक्षर को देखिए, इसमें ई जी आर एस टी बढ़ता हुआ क्रम लगा आपको, और फिर ये घटता हुआ 9 8 7 6 4, यानी कि पहले लेटर और जो अक्षर है या संख्या है उनके पहले ना लेके आखिरी वाले नंबर और लेटर से मतलब है यहाँ पे। यानी हमें इसमें तो क्या करना है, बढ़ते क्रम में लेटर लगाने आखिरी वाले ई जी आर है ना, और ये आखिरी वाले जो है वो घटते क्रम में लगाने हैं, ठीक है। फाइनल स्टेप में ये करना है। पहला चरण क्या है हमारे पास देख लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, मार्केट को ले लिया, मार्केट का मतलब सबसे पहले टी को ले लिया, फिर अगले वाले में एस को ले लिया, फिर अगले वाले में आर को ले लिया, फिर जी को ले लिया, और उससे अगले में ई को ले लिया, इस तरीके से ये लग गए। और अगर हम पहली ही स्टेप में देखेंगे तो 39 को भी तो उन्होंने पहले ही सबसे पहले स्टेप में सेट कर दिया, यानी कि 9 वाला, और फिर 9, फिर 9 के बाद 8, 8 के बाद 7, 7 के बाद 6, 6 के बाद 4। तो बेसिकली क्या किया गया है कि जिसके आखिर लेटर हो या संख्या हो जो बड़ी है सबसे पहले उसे सेट कर दिया, और फिर दोनों को सेट करते गए, ठीक है। तो हम इस आधार पर नीचे वाले जो इनपुट है उसके आंसर्स करते हैं। इंडिया 54, विल 15, रिमेन 77, फेयर 39, फास्टेस्ट और 28। निम्नलिखित में से कौन सा थर्ड चरण होगा? बहुत इजी है, थर्ड के लिए केवल 3 सेट हुए होंगे, है ना। बाकी 3 सेट का मतलब है, हम इसको नंबर से ही कर लीजिए आप। अब मुझे पता है सबसे पहले इन्होंने क्या सेट किया, सबसे लास्ट में बड़ा वाला ना, तो सबसे लास्ट में तो टी आएगा, तो ये पहली स्टेप में सेट होगा, फिर सेकेंड में आर सेट होगा, और फिर थर्ड में क्या सेट होगा, एन। ये सेट हो गए 3 स्टेप में आगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब है रिमेन फेयर फास्टेस्ट, ये तो सारे ऑप्शंस में है। फिर उसके बाद अगर हम पीछे से बात करेंगे तो सबसे लास्ट में सबसे बड़ा कौन सा है इसमें से, ये 39, तो ये पहली स्टेप में यही सेट हुआ होगा, दूसरी स्टेप में ये सेट हुआ होगा, तीसरी स्टेप में ये सेट हुआ होगा। अब आप ये समझ लीजिए जिन पे नंबर पड़ जाते हैं वो सेट हो चुके हैं, बाकी सब अपनी अपनी स्टेट में है, किसी में कोई चेंज नहीं हुआ। तो जब मैं अगर आपको थर्ड स्टेप की बात करूंगी तो थर्ड स्टेप में क्या होगा, रिमेन आ चुका होगा सबसे आगे, रिमेन के बाद सेकंड में क्या था, फेयर आ चुका होगा, यानी कि रिमेन फिर फेयर और उसके बाद फास्टेस्ट, यही तो आ चुका होगा, और बाकी ये सब अपनी जगह। इंडिया 54, विल 15, बस इतने से ही हमें आंसर मिल जाएगा। इंडिया के बाद क्या आना है, 54, यहाँ पे क्या आ रहा है, विल, गलत है। इंडिया के बाद 54 ठीक है, विल ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या आना है, 15, ये भी गलत हो गया। इंडिया 54, विल और उसके बाद 15, तो ये वाला आंसर सही है, ठीक है। यानी जिन पे नंबरिंग नहीं है वो अपनी जगह एज इट इज रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का सेम इनपुट है। चरण फोर्थ में दाएं अंत से कौन सा शब्द संख्या छठे स्थान पर स्थित है? देखिए फोर्थ में छठे स्थान पर कौन सा होगा, दाएं का मतलब हो गया ये वाला एंड, इस वाले एंड से पूछा है। अच्छा इस वाले एंड में चार स्टेप में चार तो सेट हो चुके होंगे ना, तो छठा कौन सा होगा दाएं से जो सेट नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से करेंगे। छठे में क्या क्या सेट हो चुका होगा, ये सेट हो चुका होगा पहले में, ये दूसरे में, ये तीसरे में, यानी चौथे स्टेप में क्या क्या सेट हो चुका होगा, और ये फोर्थ स्टेप में, ठीक है ना। तो पीछे से जब हम आएंगे तो फोर्थ स्टेप में ये चारों सेट होंगे। सबसे पहले हो गया होगा, सबसे पहले हमें मिलेगा 15, फिर मिलेगा हमें 77, फिर मिलेगा 28, फिर मिलेगा 39, ऐसे तो मिलेगा 1 2 3 4, ठीक है। अब उसके बाद ये पहली स्टेप में जा चुका होगा तो ये आगे पहुंच चुका होगा, ये हमें मिलेगा नहीं पीछे से, है ना। फिर ये सेकंड स्टेप में जा चुका होगा, हमें ये भी नहीं मिलेगा, और ये थर्ड स्टेप में जा चुका होगा, ये भी हमें नहीं मिलेगा, और ये फोर्थ स्टेप में जा चुका होगा, ये भी हमें नहीं मिलेगा। जब हमें मिलेगा तो क्या मिलेगा, 54 और इंडिया, क्योंकि ये सब तो आगे पहुंच चुके होंगे ना निकल के। तो अब हमें इन चारों के बाद जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, लिखा हुआ 54 और इंडिया, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसमें, आंसर आ जाएगा 6 पूछा है तो इंडिया। नेक्स्ट सवाल, उपरोक्त इनपुट को पूर्ण करने के कितने चरणों की आवश्यकता है? तो ये सबसे इजी सवाल होते हैं। देखिए जब भी कभी आपको ये लेफ्ट राइट कॉर्नर के इधर और इधर
जो स्टेप्स हैं वो ऐसे बढ़ रही हूँ, ऐसे करके दोनों एक दूसरे को, अगले वाले को हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर ये संख्या बराबर है ऊपर जितने भी लेटर्स हैं और जितने भी नंबर्स हैं उनकी, ये बराबर है दोनों में, पांच पांच है और ये भी इसमें भी, तो हमेशा जब आंसर होगा स्टेप्स होंगी वो सेम होंगी, इसका ये बहुत बेसिक सी शॉर्ट ट्रिक होती है। अगर उसमें फाइव है तो इसमें भी फाइव होंगे, क्योंकि अपने आप को स्टेप लगेगी नहीं, सारे अक्षर सारी संख्याओं को हमें सेट करना पड़ेगा इधर उधर ले जाके, तो इसलिए पांच स्टेप में ये कंप्लीट होगा। नेक्स्ट सवाल, किस चरण में तत्व 15, 39, 28 समान क्रम में प्राप्त होगा? देखिए बहुत सिंपल सी चीज है, 39, 28 ये लगे होंगे दूसरी स्टेप में, तो ये लगी गए होंगे क्योंकि ये तभी सही आएंगे, 39 ये है 28 ये है ना। पहली स्टेप में तो क्या होगा, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हम किसको उठाएंगे, इसको उठा देंगे और इधर से इसको उठा देंगे, ठीक है। तो फास्टेस्ट तो चला गया, तो पहली स्टेप में 39 और 28, मतलब 28 यहाँ आ जाएगा और 39 यहाँ पे आ जाएगा, है ना। लेकिन सेकंड स्टेप में फिर क्या होगा, सेकंड स्टेप में 39 के इधर हम किसको लेके आएंगे, 28, तो ये तो कंफर्म है सेकंड स्टेप में हम पहुंच गए। जब हम सेकंड स्टेप में, थर्ड स्टेप में हम पहुंचे नहीं होंगे क्योंकि नहीं तो यहाँ पे 77 भी होता, तो 39 और 28 हम सेकंड स्टेप में पहुंच गए। सेकंड स्टेप में अगर हम पहुंचे होंगे तो फर्स्ट आया होगा हमारा 39, सेकंड आया होगा ये, ठीक है ना। और उसके बाद अगर अभी हम इस पे पहुंचे तो सेकंड स्टेप में ये भी तो होगा ना, यहां से टी और इधर से क्या पहुंच चुका होगा आर, तो यहाँ पे अभी बीच में देखिए 15 के बीच में भी सेकंड स्टेप में तो रिमेन भी होगा, 77 भी होगा 39 और 28 के बीच में, तो ये सेकंड स्टेप में तो पॉसिबल नहीं है। अब थर्ड में क्या हुआ होगा, थर्ड में ये हुआ होगा, ठीक है ना, थर्ड में फिर 77 अपनी जगह से इधर पहुंच गया होगा और ये अपने आगे पहुंच गया होगा। अब आप देखिए क्या हुआ होगा, ये आगे पहुंच गया, ये आगे पहुंच गया, ठीक है, और वो सॉरी ये आगे पहुंच गया और फेयर आगे पहुंच गया, और 77 पीछे पहुंच गया, 39 ऑलरेडी पीछे है, फास्टेस्ट आगे है। अब ये लगातार 39 हो गया होगा, 28 हो गया होगा, 77 हो गया होगा, इधर भी सब आगे पहुंच गए, तो ये 15 लगातार आ गया होगा, और ऐसा किसमें हो रहा है, थर्ड चरण में, ठीक है। इसका मतलब है थर्ड चरण में, ये देखिए तीसरी स्टेप अगर इसमें पड़ गई है ना, तो इसका मतलब ये सब हट गए होंगे ना यहाँ से, और जब हट गए होंगे तो 15 के जस्ट बाद फिर क्या आएगा, ये जो सेट किया हुआ है, क्योंकि ये जो सेट है ये अपनी अपनी जगह से यहाँ से हट गए होंगे, तो 15, 39, 28 बिल्कुल लगातार किसमें आएगा, थर्ड स्टेप में। और लास्ट चरण सेकंड में कौन सा तत्व 15 और 77 के ठीक मध्य में होगा? बहुत इजी सा सवाल है, देखिए बात बताइए 15 और 77 के बीच में किसमें पूछा है, सेकंड स्टेप में। तो सेकंड स्टेप में तो वैसे भी फर्स्ट स्टेप में ये उठा होगा, ये उठा होगा, सेकंड स्टेप में ये उठा होगा, ये उठा होगा, क्या सेकंड स्टेप में इनमें किसी में कोई नंबर पड़ा, कोई फर्क ही नहीं है, 15 और 77 के बीच में वहां भी रिमेन होगा, यहाँ भी रिमेन है, कोई भी अंतर नहीं है, ठीक है। कुछ सवाल तो देखिए ऐसे पूछे जाते हैं, बेसिकली अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बस आपने देखा और आंसर कर दिया, उसमें कोई कॉन्सेप्ट कुछ भी लेंथी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं होती है, और ये हमें प्रैक्टिस से ही पता चलता है कि कौन से क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको हमें सॉल्व करने की नहीं, केवल मेंटली पहचानने की जरूरत होती है कि ये वो आंसर्स हैं जिनको हमें सॉल्व करने की नहीं, केवल टिक करने की जरूरत है, ठीक है। आई होप कि अभी आपको ये थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया होगा, कॉम्प्लिकेटेड सा टॉपिक है, ऐसे बहुत जल्दी क्लियर नहीं होगा, जब तक आप इस वीडियो को दोबारा से देख के स्टॉप करके इन्हीं क्वेश्चंस को खुद लगा के देखिए बेसिकली, तब आपको समझ आएगा कि आप कितना समझ पाए, कितना अंडरस्टूड कर पाए, उसके बाद आप कितना सॉल्व कर पा रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और आगे शेयर करिए, बाकी चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको नए पैटर्न के जितने भी नए पुराने जो भी पैटर्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, नए क्वेश्चंस, अप्रोचेस, ट्रिक्स, हर एक चीज रीजनिंग की ऑल ओवर कवर होती रहेगी। सो कीप वॉचिंग द चैनल, कीप सब्सक्राइब, जस्ट शेयर एंड थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग।